इस सत्र से डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी विश्वविद्यालय का बिजनेस मैनेजमेंट विभाग बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी शुरू करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में एग्री इंटरप्रेनरशिप एवं एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंटरप्रेनरशिप की बढ़ती मांग को देखते हुए वह प्रदेश में कई नए नए संस्थानों में पढ़ाने के लिए अच्छे रिसर्चर व टीचर्स की जरूरतों को देखते हुए विभाग द्वारा पीएचडी की कुल 8 सीटें रखी गई हैं, जिनमें से 4 सीटें बिजनेस मैनेजमेंट व 4 ही सीटें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए रखी गई हैं। बता दें कि इन सीटों के लिए बिना लेट फीस के आखिरी तारीख 3 जनवरी रखी गई है, जबकि लेट फीस के साथ 8 जनवरी 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन मांगी गई है। विभाग का मानना है कि इन विषयों में पीएचडी करने वाले शोध शास्त्री किसानों के खेतों में जाकर उनकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग कर सकेंगे और इसके जरिए किसानों की आय दुगनी करने में सहायता मिलेगी। वहीं नौणी विश्वविद्यालय के बिजनेस मैनेजमेंट विभाग के हेड डॉक्टर के रैना ने बताया कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में एग्री इंटरप्रेनरशिप एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंटरप्रेनरशिप की बढ़ती मांग को देखते हुए वह प्रदेश में खुल रहे नए नए संस्थानों में पढ़ाने के लिए अच्छे रिसर्चर व टीचर्स की जरूरतों को देखते हुए विभाग द्वारा पीएचडी की कुल 8 सीटें रखी गई हैं, जिनमें से 8 सीटें बिजनेस मैनेजमेंट व 8 ही सीटें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए रखी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री इस सत्र से पीएचडी बिजनेस मैनेजमेंट में और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में शुरू करने जा रहा है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल के भौगोलिक क्षेत्र में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, मांग आ रही है, और साथ में नए नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं जहाँ उन्हें पढ़ाने के लिए एक अच्छे टीचर्स की और एक अच्छे रिसर्चर्स की जरूरत है। एग्री बिजनेस में हमने 4 सीटें रखी हुई हैं शुरुआत के तौर पर, तो उन 4 सीटें हमने एग्री बिजनेस के लिए रखी हैं, 4 ही हमने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए रखी हुई हैं, तो टोटल हमारी 8 सीटें होंगी। लास्ट डेट उसकी विदाउट लेट फी 3 तारीख तक है, 3 जनवरी तक है। ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन आएंगी और विद लेट फी जो है वो 8 जनवरी तक है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है किसानों की आय को दोगुना किया जाए, तो किसानों की आय दोगुना जरूर होगी, बिल्कुल होगी, जब हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर काम देंगे। हमारे जो युवक हमारे से पीएचडी करके रिसर्च करके आगे निकलेंगे वो खेतों में जाएंगे, किसानों को मदद करेंगे, क्योंकि आज का जमाना है असली मैनेजमेंट का, प्रॉपर मार्केटिंग का, प्रॉपर प्रोडक्शन प्लांट्स का। हमारे जो ये शोध शास्त्री यहाँ से बाहर निकलेंगे वो किसानों के साथ कार्य करके और उनके हर तरह से मदद करके किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेंगे।